गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर गर्ल माया सिंह। आप सब कैसे हैं? एंड आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या वीडियो बनाने वाले हैं। ये हमारी सबसे वेटेड वीडियो है, 8 मंथ्स का वेट किया हमने और आज वो वीडियो आ चुकी है, रिक्रिएटिंग माय मॉम्स फोटोज। आई एम वेरी एक्साइटेड और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मेरी मॉम की एक्सेसरीज हैं, क्लोथ्स हैं और इनको हम रिक्रिएट करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से रिक्रिएट कर सकूं। आउटडोर्स में जाने में हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि रेन हो रही है यहाँ पे बहुत तेज़ मुंबई में, सो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। एंड अभी हम फर्स्ट फोटो रिक्रिएट करते हैं, आपको फोटो सबसे पहले देखेगी एंड देन एंड में जो हमने किया है, जो हमने रिक्रिएट किया है वो आपको एंड में देखेगा। सो वॉच द वीडियो टिल एंड सो यू कैन सी माय फोटो। ओके, लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फोटो। ये जो आउटफिट है वो मेरी मॉम को तो बहुत ही लूज आता है, मतलब लूज आता है तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या आएगा, कितना लूज आएगा। और ये है मम्मा की एक्सेसरीज, कुछ इयररिंग है एंड ये इनका एक नेकलेस है। तो इस ड्रेस को हम साइड में रख लेते हैं और इयररिंग पहन लेते हैं। क्या हो रहा है? ओके, पहन लिया। अब मैं बाकी की नेकलेस में मुझे मम्मी से हेल्प चाहिए होगी तो मैं इसको पहन दी, आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। ये है मेरा लुक, मम्मा लुक। और ये मेरी ईयरिंग्स, मेरा नेकलेस एंड मैंने इसके लिए स्पेशली काजल लगाया है, देख सकते हो। अब मैं मम्मा की फ़ोटो देखूँगी और ट्राई करूँगी ऐसा पोज करने मम्मी की उंगली ऐसी। और इस फोटो में लाइट हल्की डिम है तो मैं डिम कर दी लाइट, सब डिम हो गए हैं। अब हम ट्राई करते हैं मम्मी का पोज करने का। लुक का फोटो ले लिया है, वो आपको वीडियो के एंड में दिखने वाला है। ये है मम्मा की ब्लैक एंड वाइट ड्रेस और उनके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एकदम गोल्डन सा है एंड हमारे पास कोई ऐसी इतनी फैंसी वॉल नहीं है, बस ये वॉल है हमारे पास फैंसी। ये भी गोल्डन कलर की है सो चल ही जाएगा, हमारे घर में और कोई फैंसी वॉल नहीं है इसके अलावा। सो हाँ, अब मैं चेंज करके आती हूँ और इसके साथ कोई भी ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है, जस्ट ए रिंग। सो लेट्स चेंज। सो गाइस, ये है मेरा लुक, आप देख सकते हैं, रेडी एंड चलो अब फोटो खींचने का टाइम है। यहाँ पे मेरे पास फोटो है, मम्मी का पोज कॉपी कर रही हूँ। मम्मी की फोटो में बटरफ्लाई नहीं है, मैं बटरफ्लाई निकाल देता हूँ। एंड ओके, सो मम्मी का हाथ है, यस ओके, हमें पोस्ट में जाके। सो ये है मेरा लुक, आप देख सकते हैं मेरी ब्लू ड्रेस जो मुझे बहुत ही लूज है, यू नो। अब मम्मा कहे तो लूज तो होगा, अब मैं इसमें दूंगी फाइनल टचिंग मम्मी की ब्लू हील्स, मैं भी पहनूंगी। बट जैसे मेरे ये लूज है और मम्मा का नॉर्मल उनके हिसाब से है, इसलिए हमारे पास एक क्लच है जिससे हम इसको फिट कर देंगे। सो गाइस, अभी मैं लेफ्ट में हूँ, हम मैं जा रही हूँ, हम अपनी फोटो खींचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पैर अच्छे से, मैंने तुम्हारे में हवा तुम्हारे हेयर्स को उड़ा रही है, मेरे तो नहीं उड़े थे। सो गाइस, इतना रेनी सीजन हो रहा है इसलिए मैं बाहर नहीं, अंदर ही फोटो खींचने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी परफेक्ट फोटो नहीं आ पा रही है, तुम्हारे पैर मेरे से भी बड़े हैं क्योंकि मेरे ऊपर मैं हील्स नहीं मुझे लग रहा है गाड़ी यहाँ पे आ रही है। चप्पल जिंदाबाद, उठाओ इसको, मुझे आपको फिर दिखाना है। मैंने मम्मी की सैंडल्स को पैर रख के अंदर से तोड़ दिया है।
सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे बालों की हालत। मैं जब गई थी तो इतना सुंदर बन के गई थी, लेकिन आई हूँ तो मेरे हेयर एकदम मेसी हो गए हैं। वहाँ पे इतनी रेन चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी, जो मेरी मम्मी की फोटो में बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं कब से वेट कर रही थी कि रेन स्टॉप हो जाए और फिर हम अपना फ़ोटो क्लिक कर लें, लेकिन रेन स्टॉप हो गई, फिर हम नीचे गए, फिर वापस रेन शुरू हो गई। सो हल्का सा गीली हो गई थी मैं, बट अब मैं सूख गई हूँ। सो हाँ, मैंने ट्राई किया फ़ोटो खींचने का। अब आपको मेरी जो फ़ोटो है वो एकदम वीडियो के एंड में दिखेगी, तो मेरा वीडियो एकदम एंड तक देखना। अब हो सकता है ये फ़ोटो हमारी फेल या सक्सेस, आई डोंट नो क्या हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताना हमारी फर्स्ट फ़ोटो फेल हुई है या सक्सेस हुई है। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, और ये जो फ़ोटो है वो लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट के अंदर चलते हैं और अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं। वैसे मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास एक्सेसरीज हैं, इसमें एक बैग, एक फ़ोन एंड एक वॉच। सो लेट्स गो। चलो ज़्यादा देर लिफ्ट नहीं रुक सकते। तो हमने लिफ्ट वाली जो फ़ोटो ली है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ली थी, क्योंकि लिफ्ट बंद हो सकती है इसलिए। एंड पता नहीं फ़ोटो कैसा आया, वो आप लास्ट में उसको जज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा आउटफिट। इसके साथ मेरे पास एक हैट जो मम्मा ने पहनी हुई है। मैं बाल नहीं ख़राब करती इतने, क्योंकि बहुत मुश्किल से सेट हो रहे हैं। एंड मेरे पास ये है हूप ईयरिंग्स, जो सेम नहीं है क्योंकि मम्मा ने अपनी ईयरिंग्स खो दी। मम्मा भी ना छोड़ो, पर ये चल जाएंगे आई गेस, ब्लैक है। सो ये हमारे इयररिंग्स हैं और अब अपनी फोटो लेंगे। आई एम एक्साइटेड, और ये मुझे सबसे फेवरेट लगती है मम्मा की, इसमें बहुत अच्छी ड्रेस भी है एंड ये न्यू ईयर के टाइम की है। सो आई एम एक्साइटेड। अब मेरी सारे फोटोज हो चुके हैं, सो ये है मेरे फोटोज। सो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है और ये वीडियो हम 8 मंथ से बनाना चाहते थे, एंड फाइनली अब आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने इसके लिए एकदम मम्मा का जो भी था एकदम परफेक्टली करने की कोशिश। आउटडोर फोटोज में हल्की प्रॉब्लम आ गई थी रेन की वजह से, बट इसी वजह से एक लुक हमने कैंसिल किया है। हाँ, इसके वजह से एक लुक हमने कैंसिल किया है, बट इट्स ओके। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, या फिर मैंने जो किया मेरा बेस्ट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या बनानी है। बाय गाइज़।